टेंशन ले, आई एम एग्री योर एडवाइस बहुत बढ़िया भाई, हंसने की बात पर हंसा करो के पता क्या है, क्योंकि हंसना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहूं कि जब तक मेरा अपना फुकड़ी सिर नहीं, हर एक के चेहरे पे हंसी खुशी और खिलावट बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि एक बात बताऊं मैं तुमने, 100 बीमारियों की एक दवा होती है हंसना। कदे मर जाके देख लियो मेरी चारों बेटी मैं हम स्वार्थ ना सदे पाओगे चको नुकसान हो जाकर मैं फिर भी अमास आगे बाकी से पूरा तो करना नहीं इवास तो लो। क्योंकि जो भगवान ने एक कला दे रखी इंसान को जो किसी को नहीं दे रखी, यानी कि 84 लाख जिया जून में ना एक इंसान को कला दे रखी हंसने की, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करता इंसान। टेंशन इतनी बढ़ रही है दिमाग में, हंसी आती है कोई, इसलिए 100 बीमारियों की दवा होती है हंसने से। करो हंसी क्यों नहीं आती होगी बताऊंगा, क्योंकि एक मतलब की बीमारी पैर रहा है इंसान, या एक्सरे में भी लिखकर काम थी कौन सी, टेंशन हो रही है और टेंशन की मुक्ति किसे की, क्योंकि ये टेंशन क्यों रखे है एक बात और सोच के देखो, टेंशन क्यों रखे है क्योंकि बाचो बात भाज रही है एक दूसरे तो आगे भाज रहा है, यूं भी कर लिया यूं भी कर लिया यूं भी जोड़ लिया यूं भी तोड़ लिया। एक बात सोच के देखो, 84 लाख जिया जून बतावे, 84 लाख जिया जून में ऐसी कौन सी जूनी है के जोड़सी पीछे कमावे, एक इंसान की जूनी है, बाकी 84 लाख जिया जून में कोई भी जूनी नहीं जो पीछे कमांदी है, एक भी जूनी पीछे नहीं कमांदी। न्यू बताओ कौन सी जूनी है जोड़सी रात ना भूखी सोवे, एक भी जूनी भगवान सबका पेट भर है, लेकिन एक इंसान की जूनी सी है सारी जिंदगी सब पेट नहीं भरता, अरे रुपये भी कमावे और जूनी देख लो रुपये कमाते सारी पेट भर कैसे हो। एक सब्र की बात होती है, इंसान का सब्र नहीं है, इसलिए टेंशन मुक्त रह करो, हमेशा भी हैप्पी खुश रह करो। और खुश रहने की बात मैं बताऊ था उन्हें, एक मिनट भी थक जो बैठ जाओ, बैठे बैठ जाओ, एक बात सुनो अपनी प्यारी सुनाऊंगा, सारी सारा जागरण एक तरफ या बात एक तरफ, और सच्ची बताऊंगा मेरा नवा नवा ब्याह हुआ, अरे मेरी माँ बनाओगे बोली रे बेटा तो वो ना भोज में ले जाए, अरे बेटा जी लग रहा पाई बैर क्यों पर सुथरा गांव में सोना। और मेरी माँ ने मंदिर दे दिया माता रानी का, बोली रे बेटा मैंने क्वार्टर ले लिया 12 घंटे मेरी ड्यूटी थी और मंदिर दे दिया, उनका पूजा पाठ कर दिया बेटी ठीक है। तो एक डेढ़ महीना जोत पत्ती चढ़ाई, फिर फौज का मोल सा देखा, गांव का मोल की में और था, फौज में की में और मोल था, इतनी सारी फौज इकट्ठी होगी। और मैंने बोली देखो जी मकान जी, मैं गांव की सीधी पादरी लगाई नहीं रही हूँ, अच्छा क्यों गए तो मैं जेंटल बन गई बहुत अच्छी। बोले जी मेरे को फेयर क्लब लिक्विड चाहिए, इंटरनेशनल उसका सब कुछ चाहिए, फिर इतनी लंबी लिस्ट बना ली उसने, तो पूछ पूछ का भोजन आप करीब मांगी रिपोर्ट रहा। मैं बोला बावली के आटे की क्यों कर पर मैं कि नहीं देसी सरसों का तेल अपने यो ठीक है ना जी ना, मैं तो सारा सामान लेके दे, मैंने सोच रहा भाई फौज में लेके आयो के मैं दुष्पना बरतना, मैंने लटरम पटरम सारा सामान आर्मी कैंटीन में लेके दे दिया। और दो दिन भी ना बचा मैंने फिर बोली बोली सुना जी मैं बताओ जी, हम जब तोपखाना बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए थे ना, तो आपने देखा होगा एक मेम साहब ने जलेबी जूड़ा बना रखा था, मुझे तो ऐसा ऐसा जलेबी जूड़ा बनाना सीखना है। मैं बोला बोली मेरी माँ अमेरिका की ताई और चोटी रखे गांव में कि सोनी लाग गया की करेगी जलेबी जूड़ा, बताया नहीं जी मुझे तो बनाना सीखना है। मैं बोला मखा लाड़ा की मैं खेता काम नहीं और कि मैं बटोड़ा काम नहीं, तो ये जलेबी जूड़ा बनाना सीख ले फिर और क्या है भैया, नहीं मान दीजिए। कुदरती मेरी माँ मेरा लेट पहुंच गई, 6-7 महीने हो गए तो मानना भाई बहु बेटे जी लग रहे क्वार्टर क्वार्टर में आगे बोली अगर बेटा मखा के कोई बात नहीं बता दिए की बात नहीं नुकाय आकर बैठा नुकाय बहुगा तो कि मैं शाह सुधा बसा बदल गया मैं क्या क्यों गया मैं नुकाय ये तो लल लल भी काट दी। मैं बोला मैं उरा को पंजाब का कोई आने का कोई राजस्थान का ये किस किस तौले काटेगी जिसा देश उसा बेस गांव मावे के लेके जाके उले काट लेगा नुकाय ठीक है बेटा। फिर बोली नुकाय बेटा आके नुकाय गांव में तो बर्तन भांडे बस चोरी हो जे करदे तेरी फौज भयोन लग गई। मैं क्यों गया नुकाय बेटा बोले कल परसों तो अपना 2 किलो ना डोलू उठा लिया किसी ने, मेरा निकड़ा पाया नहीं मैंने तो मैं अच्छा ने कहा दूधी आ रहा बेटा ओ दूध लेना था पाई अगली लुटिया रखे करते था मैं पाई अगली लुटिया नहीं पांदी सारे सब टोन लग रही मैं खा मैं पाई अगली लुटिया भी पावे 2 किलो ना डोलू भी पाई जाएगा और अपना हो टोले मैं आया क्वार्टर में ड्यूटी देखा है सॉरी ही नंबर है इसमें मोबाइल में त्रिमान दिखा दिया मैं आया क्वार्टर मैं आया क्वार्टर में ड्यूटी देखा है। मैं बोले खाना डाल दे फजल पली खाना तो मैंने आज बनाया नहीं मगा क्यों मैंने तो जलेबी जूड़ा बनाया जी
मैं बोलिया मैं खा मन 15 मिनट के बाद ब्रिगेडियर साहब का गनमैन जाना चंडीगढ़ गड्डी ला गई मेरी थोड़ी सी गल दिखा दे। नहीं जी सच बता रही हूं, मैंने जलेबी जूड़ा बनाने का वैसे खाना नहीं बनाया। मखा वाह भाई वाह, मेरी मां तो बोलू टोंदी फिरा भाई अगर रुकिया टोंदी फिरा वाह जलेबी जूड़ा बोली और मैं पेट का भूखा बैठा। मेरे तो राई भाई देखन आज मैं सुनते लग रही हूं, मेरा उठ जाता जलेबा भाई मैं तो उल्टे हाथ का एक दिया था थप्पड़ लग दे झूठ नहीं बोलता क्वार्टर में पक्का फर्श था और फज में के चटपन कर रखा वाह जलेबी जड़े तुम्हें बनाना नहीं आया। मेरी मां टोंदी फेंदी पाई आगे लुटिया और गुत्ती के पास से धर के बड़ा के नेड़े दे रही तो मैंने मेरा थप्पड़ तो लुटिया जुड़ा बंदा निकल के टंडे सी बोल दी जैपनीज फर्श का सब और मेरी मां का प्यार पड़ गया। मेरी मां खुश होगी ठेका लुटिया ने मेरी शाबाश रे मेरे बेटे के थप्पड़ और जड़ दे डोलू भी जड़ते में आई आई मुझे कर दो धन्यवाद करो कि दूसरा भी आ गया भगवान काफी अपने लिए ये एक सांस भी अपने मिल रहा परमात्मा की दया बहुत बड़ी इसलिए आशा करो खुश रहा करो। रवि एक भजन बहुत ही प्यारा बालाजी के भजन की फरमाइश करिए। हाँ जी जानकी आ रही है। अच्छा जानकी चलो ले आओ भाई जानकी ले आओ।